हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद केवी और मैं हूं आप लोगों के साथ में केवी। सो गाइस, अभी चल रहा है बारिश का मौसम और बारिश के मौसम में बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मच्छरों की। तो गाइस, आपके घर में भी मच्छर हैं, परेशान करते हैं? हाँ, वो तो सबके घरों में होते हैं। तो गाइस, मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए हमें मच्छरों से तो बचा लेती है लेकिन हमारे हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर देकर जाती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि आप घरेलू नुस्खे से किस तरीके से घर के मच्छरों को भगा सकते हैं, क्योंकि गाइस सीरियसली मच्छरों से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये वाली चीज़ मैंने अपने घर पे करी एंड मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हाईली रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी बहुत सारी बातें हो गई तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो गाइज, आपको मच्छरों को भगाने के लिए सिंपल से घरेलू कुछ चीज़ें लेनी है। लाइक मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 से 5 लौंग। तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4 से 5 कपूर। तो इन दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को ले लेना है। उसके बाद में इसको आपको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइक अब कैसे भी करो तो यहाँ पर मैंने कुटनी की हेल्प से इनका पाउडर बना लिया। उसके बाद में इस तरह के दिए जो कि घर में सबके घर में होते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, तो पुराने हो नए हो जो भी हो आप इसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, कपूर और लौंग का जो पाउडर हमने बनाया था आपको उस पाउडर को इस दिए में ऐड कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड करना है 1 टेबल स्पून नीम ऑयल। तो गाइस, नीम ऑयल बहुत ही अच्छा होता है, मच्छरों को भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। इन सारे इंग्रेडिएंट्स का जो दिया जलेगा ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए और मच्छरों को भगाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस, ये नीम ऑयल आप कैसे बना सकते हो घर पे, इसका वीडियो रिसेंटली मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो कि आप घर पर किस तरीके से नीम ऑयल बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो। एंड इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक रुई की बाती लेनी है और इसमें आपको डिप कर देना है। डिप करने के बाद आपको इसे घर में जला देना है। तो गाइज, इसे जलाने के 10 से 15 मिनट के बाद ही आप देखोगे कि मच्छर आपको नहीं दिखेंगे आपके कमरे में। एंड जब ये 1-2 घंटे जलेगा तब तो आपको एक भी मच्छर आपके कमरे में नहीं दिखेंगे। तो नाइट में आप जब भी सोने जाओ या फिर जब भी आपको मच्छर परेशान कर रहे हो, लाइक काट रहे हो या फिर कान के पास आके कोई गाना गा रहे हो, तो ये वाला दिया आप अपने घर में जला सकते हो। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है, लाइक कपूर है, लौंग है, नीम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की ये सारी चीज़ें बहुत ही कम कॉस्ट की है जो कि हमें हमारे घर पे बहुत इजीली मिल जाती है। और इस दिए को जलाने से सारी नेगेटिविटी हमारे घर से दूर रहती है। तो गाइज, ये वाला दिया आप डेफिनेटली अपने घर में जलाइएगा। गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह के एक यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए और ये वाला दिया जलाइए और अपने आप को और अपने घर वालों को मच्छर से दूर रखिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।